देखिए जो फॉर्मूले हैं, जो आपने डेरिवेशन है, जो कन्वर्जन है ट्रिग्नोमेट्री में किए हैं, उनके बेसिस के ऊपर कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह से उनको अप्लाई करना है, ये आप देखिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, दिस इज अंडर रूट टू कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस। अगर आप इसका दोनों तरफ स्केयर कर देते हैं, दिस इज कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्केयर थीटा हो गया। अगर आप इस फैक्टर को, इधर वाले सारे फैक्टर को आप इक्वल टू के राइट साइड में ले जाते हैं, तो टू कॉस स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा। This is cos square theta minus sin square theta and minus 2 sin theta cos theta is equal to 0. दोनों तरफ अगर आप 2 sin square theta ऐड करते हैं, cos square theta plus sin square theta minus 2 sin theta cos theta is equal to 2 sin square theta. This is cos theta minus sin theta का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, cos theta minus sin theta is equal to under root 2 sin theta. वैसे भी याद होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को एक ही वे में कर सकते हैं, आप इसको कंपोनेंट और डिविडेंड लगा करके वैसे भी कर सकते हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। सेकंड देखिए, ये पूछ सकता है, दिस इज कि आपको दिया हुआ है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा। a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी दिया है, पूछ रहा है कि a साइन थीटा किस गए cos थीटा प्लस किस गए माइनस बी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। उसी वे में निकालते हैं इसको, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को cos में बदल लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर में बदल लेते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या क्या बनेगी, ये ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। दिस इज ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। तो ए माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा क्या हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। और ये रिजल्ट आपको रिटेन रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, दिस इज थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेवन अपॉन अंडर रूट टू ले लिया, तो क्या करें, थ्री किस गए थ्री साइन थीटा किस गए कॉस थीटा माइनस फोर क्या आएगा आपका फोर साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, थ्री का स्क्वायर दिस इज नाइन प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस इसका स्क्वायर 49 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। आपने ये इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाला, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, कन्वर्जन फॉर्मूले जो ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी आपको, उसके ऊपर बेस्ड ए बी सी एंड डी आर द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, then you have to find sin a plus b plus sin c plus d is equal to 0, ये प्रूव करना है या ऑप्शन में दे दे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये पता आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, a plus b plus c plus d this is equal to कितना एंगल होता है, this is 360 and क्या आ जाएगा, a plus b is equal to 360 minus c plus d, this is c plus d, दोनों तरफ sin लेंगे, sin a plus b this is equal to sin 360 minus c plus d, 360 minus c plus d, तो 360 this is 2 pi, 360 horizontal line के ऊपर आएगा, this is 0 90 180 and 270 This is 360, 360 माइनस है, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा आपका,
थीटा, ये कितना भी बड़ा हो इसका थीटा कंसीडर कर लो एक बार, तो 360 माइनस थीटा, 360 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और 360 हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर टी रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो क्या आएगा, साइन का साइन रहेगा साइन सी प्लस बी। तो क्या आ गया आपके पास रिजल्ट, साइन ए प्लस बी प्लस, इधर ले आएंगे इसको साइन साइन सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आपकी एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है तो साइन ए प्लस बी किन्हीं भी दो एंगल का साइन प्लस अदर टू का साइन, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसा थ्रो कर सकते हैं और इसको ध्यान में रख सकते हैं, कोई ज्यादा बर्डन वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर ये कहे कि एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या कंडीशन होती है, उसके जो आपके फ्रंट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, ए दिस इज ए बी सी डी, एंगल एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है, एंड इसका और इसका सम भी कितना होगा, दिस इज क्या आ गया आपके पास, एंगल ए, एंगल नहीं लिख रहे हैं, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो क्या आ गया ए इज इक्वल टू 180 माइनस सी। वही बात लगाएंगे साइन, दिस इज कॉस, कोसाइन की बात कर रहा है ये, कॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 180 माइनस ए, 180 माइनस सी, एंड 180 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा पड़ता है, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस ए प्लस कॉस सी इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली क्या है आपके पास, दिस इज एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180, तो क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू 180 माइनस डी, दोनों तरफ कॉस लेंगे, कॉस बी इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस डी, एंड ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, 180 के ऊपर टी रेशियो चेंज नहीं होते, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस का साफ है नेगेटिव, दिस इज कॉस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस डी, तो कॉस बी प्लस कॉस डी, कॉस डी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको एंड इस सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट, दिस इज कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर है जो आपको बता रखी है लास्ट वीडियो के अंदर, जिनका जिक्र किया था हमने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है, क्या है ये कहता है कि दिस इज टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री, टेन 89 डिग्री तक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, या ऑप्शन में दिया हो 1 है 0 है क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। वैसे जैसे आप देख सकते हैं दिस इज टेन 1, टेन 1 इज इक्वल टू क्या है टेन 90 माइनस 89, दिस इज 90 माइनस थीटा, 90 के ऊपर टी रेशियो चेंज हो जाते हैं, टेन किसमें बदल जाएगा कॉट में, दिस इज कॉट कॉट 89, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो टेन एंड कॉट 89 किसके इक्वल होता है 1/10 89। इसी तरह से टेन 2 डिग्री, टेन 2 डिग्री इज इक्वल टू क्या है टेन 90 माइनस 88, दिस इज इक्वल टू क्या टेन 90 के ऊपर टी रेशियो चेंज होगी क्या बदल जाएगा, दिस इज कॉट 88, दिस इज इक्वल टू 1/10 88 आ गई, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, तो यहां से क्या लेंगे, दिस इज टेन 1 डिग्री किसके इक्वल होगा 1/10 89, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 2 डिग्री यहां पर 10 88 डिग्री होगा उससे कट जाएगा, 10 3 किससे कट जाएगा 10 87 से, तो सारे आपस में कट जाएंगे, एक चीज बचेगी आपके पास
दिस इज 10 45 10 45 10 45 खुद की वैल्यू क्या होती है 1, तो सबका रिजल्ट क्या आगे आपके पास 1 बन जाता है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी सारा ट्रांसफॉर्मेशन का था कि 90 के ऊपर कैसे चेंज होता है, 180 के ऊपर कैसे चेंज होता है, इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको दे रखा है दिस इज साइन एक्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस रेज टू पावर 12x प्लस 3 इनटू कॉस रेज टू पावर 10x प्लस 3 कॉस रेज टू पावर 8x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x माइनस 1। देखिए आप इसको एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज cos raised to power 2 raised to power 4 raised to power क्या होगा 3 एंड प्लस इसको लिख देंगे cos दिस इज 2 raised to power 2x raised to power 3 प्लस क्या आ गया 3 इंटू cos raised to power 6x कॉमन है लेंस में से, तो आपके पास बचेगा cos raised to power 4x एंड प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एंड ये एक्सप्रेशन कैसे निकल जा सकता है, दिस इज cos raised to power 4x प्लस cos square x का क्यूब के इक्वल है, बिकॉज इसमें से क्या आएगा, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ab के इक्वल ये है, a cos raised to power 4x है, b cos square x है, cos raised to power 6x हो जाएगा into a plus b, तो this is equal to this minus 1। एंड यहां से हम जो गिवन चीज है उससे वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स तो साइन एक्स क्या आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, एंड साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा दिस इज कॉस रेज टू पावर 4x, एंड साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 4x, 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा cos raised to power 4x plus cos square x, ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, then this will be equal to 1 minus 1 this is equal to 0। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो कोई ना कोई फार्मूला, कोई ना कोई आइडेंटिटी फॉर्म करेगा, उसके ऊपर फोकस जरूर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये कहता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स भी है एंड राइट एंगल ट्रायंगल भी, दिस इज एंड राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल इज एट सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये कहता है कि देन फाइंड द टेन ए माइनस बी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज 90, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके एडजेसेंट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा एंगल बी होगा, तो ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, एंड ये वैल्यू पूछ रहा है टेन ए माइनस बी की, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए एट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, किसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, cos square x प्लस secant square x इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब हमें एक चीज का पता होना चाहिए, इफ a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 मींस a इज पॉजिटिव, देन a प्लस 1 बाई a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 2। कैसे ये आया, कैसे अब a प्लस 1 बाई a माइनस 2 ये लीजिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन अंडर रूट a, ऐसे आप लिख सकते हैं, दिस इज a अंडर रूट a का स्क्वायर, दिस इज a 1 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर, दिस इज
वन अपॉन ए माइनस टू इंटू इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्सप्रेशन सेम रहा, लेकिन इससे हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है अंडर रूट ए माइनस माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए का होल स्केयर। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड ये स्केयर्ड क्वांटिटी है, स्केयर्ड क्वांटिटी हमेशा या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अल्टीमेटली क्या आ गया आपके पास, ए प्लस वन बाई ए माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए प्लस वन बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस वन बाई ए वेन ए इज पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, टू होगी, अदरवाइज टू से बड़ी होगी। सिमिलरली इफ ए इज लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो है, देन क्या होगा आपका, ए प्लस वन बाई ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू माइनस टू। दोनों रिजल्ट को, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को आप रिटेन रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज कॉस स्केयर एक्स, दिस इज कॉस स्केयर एक्स प्लस वन अपॉन कॉस स्केयर एक्स। कॉस स्केयर एक्स, कॉस एक रियल नंबर, रियल वैल्यू देता है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज टू, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो आपको ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, ये रिलेशन ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज नाइन्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन दिस इज ऑन आइडेंटिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिस इज साइन एज टू पार, साइन एज टू पार, साइन एज टू पार सिक्स एक्स प्लस कॉस एज टू पार सिक्स एक्स एंड प्लस थ्री इंटू साइन स्केयर एक्स एंड कॉस स्केयर एक्स। देखिए दिस इज साइन स्केयर एक्स का क्यूब एंड प्लस दिस इज कॉस स्केयर एक्स का क्यूब एंड प्लस थ्री इंटू, आप ये लिख सकते हैं साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स और इंटू साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स। ये वन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, तो ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा है इस इक्वेशन के ऊपर, लेकिन हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स का क्यूब एंड ये वैल्यू कितनी होती है, दिस इज वन का क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, वन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टेंथ क्वेश्चन देखिए, टेंथ क्वेश्चन में कह रहा है ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दी, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस साइन बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो इट मीन्स क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां से क्या कर देंगे, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, दोनों तरफ साइन लेंगे, साइन ए विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस बी। अब साइन ए ऐसे ही रहने दो क्योंकि साइन ए माइनस कॉस बी की वैल्यू निकालनी है, दिस इज साइन ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 90 के ऊपर टी रेशियो चेंज हो जाते हैं, क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए साइन ए सॉरी दिस इज साइन ए माइनस कॉस बी, कॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है इसका रिजल्ट आपके पास, जीरो। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कुछ नहीं करना आपको, जो आइडेंटिटीज है उनका इस्तेमाल करना है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप इन होल स्क्वायर्स को खोलेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2
2 into sin theta and cosecant theta, 2 into sin theta plus cosecant theta, plus क्या है आपके पास, plus cos k theta plus secant k theta plus 2 secant theta and cos theta, minus tan square theta, minus 7 कौन है, minus cot square theta minus 2 tan theta into cot theta, tan theta into cot theta. देखिए यहां से sin square theta plus cos square theta किसके इक्वल होगा, this is equal to 1. अगला है cosecant square theta minus cot square theta, आइडेंटिटी पता है आपको, याद है cosecant square theta minus cot square theta, this is again equal to कितना, 1. secant square theta minus tan square theta, secant square theta minus tan square theta क्या हो जाएगा, this is again 1. sin theta cosecant theta, cosecant theta को क्या लिख सकते हैं, cosecant theta is equal to 1 upon sin theta, तो sin theta से sin theta cancel हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 plus 2 secant theta cos theta, secant theta किसका reciprocal होता है, cos theta का, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, 2 minus tan theta और cot theta एक दूसरे का reciprocal होते हैं, minus 2, तो यही से कैंसिल हो गया, this is 2 plus 1, 3, 4, 5, तो टोटल रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ गया, 5 कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, एंड sin theta का reciprocal क्या होता है, cosecant theta, cos theta का reciprocal क्या होता है, secant theta and tan theta का reciprocal क्या होता है आपका, this is cot theta, यही ध्यान रखना था सब. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, cos a plus sin a minus cos a minus sin, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, this is a plus b माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ये ध्यान होना चाहिए, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4ab, एंड 4ab यहां पर ए क्या है cos a और बी क्या है sin a, सो इस रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 sin a cos a, और हमें ये पता है कि 2 into, this is 2 sin A and cos A, 2 sin A cos A, ये किसके इक्वल होता है, this is equal to sin 2A, sin 2A, sin 2A and into में 2A, तो result क्या आ गया, इसकी value क्या होगी, 2 sin 2A, कर सकते हैं, next देखिए, tan alpha is equal to under root 2 दे रखा है, ऐसे में triangle बना लो, right angle triangle, tan alpha, this is alpha angle, tan alpha क्या दे रखा है, tan alpha is equal to 2 under root 2 upon 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, perpendicular कितना आता है, 2 under square root 2 and ये 1, ये कितना आ गया, this is equal to इसका whole square, this is 8 plus 1, this is 3, अब यहां से सभी t ratios की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 3 है, तो sin alpha क्या आ जाएगा, sin alpha is equal to 2 under root 2 perpendicular upon hypotenuse, this is 3, and cos alpha kitna jayega, 1 upon 3 base upon hypotenuse, ab is expression ki value nikalni hai, is expression mein value rakho inki, kya jayega, this is tan alpha, this is 2 under root 2 upon sin cube alpha, sin cube alpha, sin ki value ye iska cube karenge kitna aayega, this is 2 का क्यूब 8, this is 2 under root 2, 16 square root of upon cos alpha की वैल्यू 1 by 3 है, 1 और 1 by 3, and plus क्या आ जाएगा, plus दे रखा sin alpha कितना है, 2 under root 2 upon this is 3, and cos alpha कितना है, cos alpha is equal to 1 upon 3, this is 1 upon 3, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 2 अंडर रूट 2 अपॉन 48 अंडर रूट 2 प्लस दिस इज 2 अंडर रूट 2
अपॉन 9, 2 अंडर रूट 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके पास, दिस इज 24, दिस इज 24 प्लस 1/9 प्लस 1/9 ये कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा 24 9 जा कितने होते हैं, दिस इज 216 एंड ऊपर क्या आ गया 9 आ गया, दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 216। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मींस ऐसे tan थीटा दे रखा, sin थीटा, कोई भी एंगल दे रखा है उसकी ट्रायंगल बना करके आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यू निकाल सकते हैं और जो रिक्वायर्ड जो फार्मूला है उसके अंदर जो इक्वेशन है जिसकी वैल्यू पूछ रखी है उसके अंदर उनको पुट कर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, बिल्कुल वही पैटर्न है, दिस इज थीटा, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो ये क्या आ गया 5 आ गया पाइथागोरस से। अब थीटा लेस देन 90 है एंड ग्रेटर देन 0 मींस थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी सभी टी रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो वैल्यू पूछ रहा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा की 3/5 एंड इनटू 4/5, दिस इज इक्वल टू 12/25, दिस इज द रिक्वायर्ड। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास 15th है 1 माइनस साइन स्क्वायर, बिल्कुल आइडेंटिटी लगानी है, क्या है आपका दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमें ये पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1। कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th में कहता है कि इफ ट्रायंगल एबीसी, ए इज इक्वल टू ट्रायंगल एबीसी है, दिस इज ट्रायंगल एबीसी एबीसी एंगल सी दे रखा है, चलो सी साइड में ले लो थोड़ा इजी पड़ जाएगा और कोई बात नहीं है, एबीसी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, ये परपेंडिकुलर डाल दिया दिस इज एक्स, बेस इनटू हाइट दिस इज बेस बीसी और इनटू हाइट एक्स। अब यहां पर देखिए ए के जो सामने ए एंगल के सामने ए वर्टेक्स है इसके सामने की जो साइड है उसको हम स्मॉल ए से लिखते हैं, सी के सामने की साइड है उसको स्मॉल सी से लिखते हैं और बी के सामने की जो साइड है उसको लिखते हैं हम स्मॉल बी से, इसकी लेंथ है। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये पता है हमें। अब देखिए यहां से इस ट्रायंगल से अगर इसको थीटा एंगल लेते हैं तो आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हो गया एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, क्या आ जाएगा एच अपॉन बी, सो एच इज इक्वल टू कितना आ गया एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा एंड बी सी किसके इक्वल है ए के इक्वल है, तो इसकी इसका एरिया कितना 1/2 ए इंटू बी और इंटू सम, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए इस एंगल का पता है यानी कि सी एंगल का पता है, ये दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी, तो एरिया किसके बराबर होगा एरिया इज इक्वल टू
एरिया आप लिख सकते हैं 1/2 ए बी, दोनों एडजेसेंट साइड ली है और उनके बीच का एंगल क्या है साइन सी, या इसको लिख सकते हैं 1/2 ये दोनों एडजेसेंट साइड लेंगे ए सी और इनटू साइन बी, एंगल बी इनके ये जो लाइन दोनों फॉर्म करेंगे वो लेना है। अगर आप क्या लेते हैं ये दोनों एडजेसेंट साइड लेते हैं 1/2 बी सी इंटू साइन ए, कौन सा भी एंगल जो आपको पता है जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है उनके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो यू आर गिवन, क्या दिया हुआ आपको, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड एंगल सी दिया हुआ है, ए ये साइड दी है, ये साइड दी है और बीच का एंगल दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिस इज इक्वल टू 1/2 ए, ए क्या है दिस इज 4 एंड बी क्या है दिस इज 3 एंड इनटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आपको याद है कितनी होती है 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 4 इनटू 3 इनटू 1/2 दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकाला आगे यूनिट जरूर लिखिए, सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं और इस चीज को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नई टर्म्स है, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड इज एक्स। इफ वी मूव ए डिस्टेंस डी टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, towards the foot of the tower, then angle of elevation increases to, now it becomes y, then the height of the tower final is। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास आप ground पे हैं and you are looking at certain point above the ground, आपकी eye यहां पर है, तो आप इस पॉइंट को देखते हैं तो जो ये एंगल आपके साइड आई के साथ जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है इसके साथ जो एंगल बनेगा इसको देखते हुए इसको एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इलेवेशन। अब आप क्या करते हैं, आप किसी टावर के ऊपर बैठे हैं, टावर है इसके ऊपर बैठे हैं एंड ग्राउंड के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यहां से ऐसे आपकी नजर नहीं, ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा करिए, जो ये एंगल होगा दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां से देखेंगे तो क्या, यहां देखेंगे दिस इज एंगल ऑफ इलेवेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनता है, एंगल ऑफ इलेवेशन आप उठा करके देखते हैं आपकी जिस लाइन के अंदर नजरें जाती हैं और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है उनके बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है एंगल ऑफ इलेवेशन, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है जितना डाउन आपकी नजरें जाएंगी किसके लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड के उस वो क्या कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए क्वेश्चन के बाद पास आते हैं क्या कहता है, अब क्या करेगा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन तो कौन निकालेगा, जिसने स्टेटमेंट दी वही निकालेगा, अपन तो स्टेटमेंट के साथ साथ चलेंगे। देखिए एंगल ऑफ इलेवेशन, एक टावर का एंगल ऑफ इलेवेशन एक्स, हम यहां खड़े थे हमने टावर को देखा एंगल ऑफ इलेवेशन एक्स था, लेकिन हम मूव करके इसके फुट की तरफ गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर गए जहां पर टावर खड़ा है उसका बेस है उसकी तरफ हम डी डिस्टेंस गए, तो हमने देखा कि अब एंगल ऑफ इलेवेशन है, अब बढ़ करके क्या हो गया वाई,
आपको x निकाल। तो यहां से देखिए, अगर ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हम a ले, तो अब ये डिस्टेंस क्या आ गया, a माइनस b, a माइनस b आ। अब नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ये ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, इसके अंदर बेस क्या है, बी ओ, हाइट क्या है, ए ओ, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो इसमें टेन एक्स की अगर वैल्यू निकालो, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, दिस इज परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बेस, दिस इज ए, क्योंकि ये टोटल लेंथ आपने क्या ली है, ए ली है। सिमिलरली इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी ओ, ए सी ओ, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर टेन वाई पर क्या हो, टेन वाई पर एच अपॉन ए माइनस बी, एच अपॉन ए माइनस बी। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट एच ऑफ फाइंड आउट करना है। तो ए को एलिमिनेट करेंगे, ए को गायब करेंगे यहां से, तो देखिए यहां से क्या ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए इज इक्वल टू एच अपॉन टेन एक्स, ए को इधर ले ले, टेन एक्स को नीचे ले, ए इज इक्वल टू एच अपॉन टेन एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें भी देखो ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, ए माइनस डी, ए माइनस डी इज इक्वल टू क्या, एच अपॉन, एच अपॉन टेन वाई, या ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन टेन वाई प्लस डी। ये भी ए की इक्वल है एंड ये भी इक्वल, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, एच टेन एक्स, एच अपॉन टेन एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टेन वाई प्लस डी। डी आपको गिवन है, एच की टर्म इधर लिया, एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस एच अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू डी, क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स अपॉन, एच कॉमन ले लिया, एच कॉमन ले लिया, तो वन अपॉन टेन एक्स माइनस वन अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू डी। दिस इंप्लाइज एक्स इंटू टेन वाई माइनस टेन एक्स अपॉन टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू डी। तो अल्टीमेटली आपके पास एच क्या है, एच इज इक्वल टू डी टेन एक्स टेन वाई अपॉन टेन वाई माइनस टेन एक्स। हो सकता है इसकी वैल्यू आपको किसमें दे रखी हो, कोट में दे रखी हो, कोट में दे रखी हो, तो टेन को आप कोट में बदल सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। डी गिवन है, डी की वैल्यू यहां बुक करो, एक्स गिवन है मान लो 30 है, टेन 30 आ जाएगा, ये 45 है, 45 रख दो, यहां पर वैल्यूज आ जाएंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस कोई और अलग से टॉपिक नहीं है, इसका जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है उस उन्हीं फार्मूलों का, उन्हीं रिलेशंस का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ट्रायंगल दे रखी है आपको, दिस इज द ट्रायंगल, अगर दिस इज थीटा, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है, बस तीनों का ही खेल है। अगर आपको ये निकालनी है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, कौन सा एंगल लगाएंगे, साइन थीटा। अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, कौन सा एंगल लगाएंगे, टेन थीटा। अगर आपको
बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, कौन सा एंगल लगाएंगे, कॉस थीटा। तो इसको, इस वीडियो को बहुत अच्छे से, इसके अंदर जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आ सकते हैं, वो डाले हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ ट्रायंगल है, रविंदर सर के वीडियो आए हुए हैं उसमें, उनको भी कीजिए, और अदर जैसे सतीश सर डाल रहे हैं उनकी, उनको भी करिए, होमवर्क पूरा।